संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। जी हां, मामला बबेरू कस्बे के बांदा रोड गिरधर कॉलोनी का है, जहां पर महिला सविता विश्वकर्मा पत्नी राधे श्याम उम्र 42 वर्षीय अपने मकान में बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। जैसे ही परिजनों ने महिला को देखा, परिजन व पड़ोसियों की मदद से महिला को बेसुध हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए बांदा से शत्रुघ्न सिंह की रिपोर्ट। अच्छा भोला प्रसाद जी, क्या घटना हुई है? ये घटना मेरे छोटे भाई की घरवाली है, उनके मेरे छोटे भाई भी पुलिस में कौशाम्बी में तैनात। इनके बच्चे छोटे छोटे घर में बच्चों के साथ रहते थे। मैं बगल में दो तीन घर छोड़ के मेरा दूर घर था। जब मुझको पता चला कि मम्मी की, लड़कों ने बताया मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मैं गया वहाँ, देखा मेरे सामने उन्होंने पानी मांगा, पानी पिलवाया गया। उन्होंने कहा पंखा बंद है, पंखा चला दो, मुझे गर्मी लग रही है। इसके बाद उसी हालत में मैंने तुरंत ई रिक्शा करके अस्पताल लाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने क्या बोला? डॉक्टरों ने बोला कि जो है अब इनमें जान नहीं है, मृत घोषित कर दिया। कहाँ की घटना है ये? ये बांदा रोड गिरधर कॉलोनी।